Good morning, guys. This is day 5, October 7th, 2020, and we are here in Haridwar. अगर आपको पता है, पीछे से पूरे व्लॉग्स आप देखते आए हो तो ऑलरेडी आपको पता है बहुत मजे करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं. अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहली बात ये करो, ये ऊपर जो लिंक दिया है ना, एक मिनट इसको रखने दो, ये वाला लिंक. इस लिंक पे जाके फर्स्ट व्लॉग से आखिरी व्लॉग तक, मतलब इस व्लॉग तक पहले पूरा सीरीज देखते हुए आओ, तभी आपका मूड बन जाएगा, तभी आप हमारे साथ हमारी एनर्जी लेवल पे आएंगे और यहाँ से आगे का जो एक्चुअल थ्रिलिंग एक्साइटिंग राइड होने वाला है ना, उसको एंजॉय कर पाएंगे. सो पहले जाके पूरा सीरीज देख के आओ. और अगर आप पूरा सीरीज देख के आए हो, पूरे व्लॉग सारे देखे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पिछले दो दिन से मैंने आपसे ये बोला ही नहीं है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल. यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स. वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स कर्णप्रयाग. फाइनली वी आर इन उत्तराखंड. और आज हम यहाँ से आगे उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से एक्चुअल हिमालयाज का राइड चालू होने वाला है. बातें करते करते लिफ्ट वापस चली गई. एनीवेज, लिफ्ट तो वापस आ जाएगी, बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द टाइम राइट नाउ इज 10 AM ऑन 7th of October. अभी यहाँ से नीचे उतर के चेकआउट करके ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे. आज का राइड है 250 किलोमीटर टिल कर्णप्रयाग. उसके बीच में टेहरी डैम का भी व्यू मिलने वाला है, क्योंकि देवप्रयाग वाला रूट बंद है, वो दो तीन दिन बाद खुलेगा. तो शायद देवप्रयाग वाला रूट जो है वापस आते वक्त अपने को देखने मिलेगा. अभी के लिए यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए निकलना है. देखेंगे आज पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते 250 किलोमीटर्स इन हिमालयस 10 बजे निकल के. थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन विल ट्राई आर बेस्ट. लेकिन डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, नज़ारों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. अभी से अपना फुल ऑन सिनेमैटिक वाइब वाला ये सीरीज एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है. सो बकल अप योर सीट बेल्ट्स और चलते हैं इस उत्तराखंड के अमेजिंग जर्नी पे. ब्रेकफास्ट होते होते ऑलमोस्ट 12 बज गए, लेकिन दस नो रिग्रेट, क्योंकि सुबह सुबह, एक्चुअली सुबह नहीं, कल शाम को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि सर आप हरिद्वार आ रहे हो तो मिल के जाना, बिना मिले मत जाना. सुबह उनको मैंने रिप्लाई किया कि मैं हरिद्वार से निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में. ही सेड मिल के, मिले बिना मत जाना, मैं सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हूँ, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए. सप्रियांशु ये है यूपी के संभल के रहने वाले, लेकिन यहाँ पे कुछ काम से यहाँ पे थे. एंड लुक एट दैट, इसको इसी को कोइंसिडेंस बोलते हैं शायद. आई कैंट एक्सप्रेस दिस फीलिंग कि घर से 2000 किलोमीटर दूर कोई हमें पहचानता है और कोई हमारी राह देखते रुका हुआ है कि भाई आप आओ, मुझे आपसे मिलना है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लव दैट यू गाइज आर गिविंग. अदरवाइज इतनी दूर, घर से दूर कौन पहचानता है यार अपने को. इतनी खुशी मुझे सर सभी का हो रही है. और सर का जो ये कहना है कि यूट्यूब के जरिए आपने जाना, सही बात है. और चैनल को सब्सक्राइब करो यार. सब्सक्राइब करो यार, आपको वैसे भी पता है 10,000 कंप्लीट करना है ये राइड खत्म होने तक. सब्सक्राइब करो और लोगों को भी कराओ सब्सक्राइब, जितना हो सके शेयर करो. बाय द वे, देयर इज अनदर अपडेट अबाउट दिस राइड. अभी थोड़ा सा अपना पूरा प्लान जो है ना रीशेड्यूल होने वाला है. जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ से निकल के आज कर्णप्रयाग जाना है, लेकिन शायद आज कर्णप्रयाग का प्लान नहीं बनेगा. अपना जो पहले प्लान था, यहाँ से पूरा घूम के वापस आते वक्त ऋषिकेश में रुकने का और ऋषिकेश एक्सप्लोर करने का, बट इट इज़ पॉसिबल कि हम ऋषिकेश में जाके आज रुकेंगे, जो यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर्स है, और दोपहर के बाद पूरा टाइम ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे. देयर इज अ रीज़न व्हाई वी आर डूइंग दैट. वो ऋषिकेश में जाके ही बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि ऋषिकेश में भी कोई अपनी राह देख रहा है, कोई मिलने वाला है हमसे. एंड बस एक हिंट दे देता हूँ कि जो आपसे मिलने वाले हैं ना ऋषिकेश में, वो नए नहीं है, उनको आप पहले भी काउंटिंग किलोमीटर्स पे देख चुके हो. अभी यहाँ से निकलते हैं ऋषिकेश के लिए. चलो तो मिलते हैं. एग्जैक्टली 12 बजे फाइनली इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम हरिद्वार. सो एज आई सेड, अभी सिर्फ यहाँ से ऋषिकेश तक जाना है, 30 किलोमीटर्स है सिर्फ. तो एक घंटा दिखा रहा है गूगल में, शायद सिटी सिटी में से होगा, जो भी होगा देखा जाएगा. लेकिन एक घंटे में पहुंचेंगे, मतलब 1 बजे अगर हम ऋषिकेश पहुंचते हैं तो दोपहर से पूरा टाइम ऋषिकेश में एक्सप्लोर किया जाएगा अपने एकदम सिग्नेचर वाले स्टाइल में. सो ये है सामने हर की पौड़ी का एरिया, जहाँ पे कल शाम को आए थे हम. पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखो जाके. अभी हम हरिद्वार के बाईपास रोड पे है, दैट इज द टाउन. अभी बाईपास से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए. सो इट इज कंफर्म नाउ कि बाइक वालों से कोई परमिट के लिए पूछ नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी जस्ट 100 मीटर पीछे एक चेक पोस्ट गया,
सारे कार्स को साइड में ले रहे थे, दो पुलिस सामने खड़े थे, मैंने उनको बाकायदा पूछा मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, उसने बोला इधर से निकल जाओ। सो नाउ इट इज कन्फर्म्ड, क्योंकि मेरे सामने एक हरियाणा की गाड़ी थी एक दिल्ली की गाड़ी थी, दोनों कार्स को साइड में ले लिया उसने और मुझे बोला कि निकल जाओ आगे। सो आप बाइक लेके आते हो तो कोई परमिट चेक नहीं हो रहा है, वैसे भी परमिट नहीं है, वो तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है कि आपने रजिस्टर कराया है आपका अराइवल। बाय द वे, ये जो गूगल ने एक घंटा बताया, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सिटी ट्रैफिक ऑन एनीथिंग। हरिद्वार से ऋषिकेश तक पूरे रोड का काम चल रहा है, पूरा बाईपास जैसे बन रहा है, मतलब छोटे छोटे जो गांव है उनके ऊपर से फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिजेस, अंडरपास, हर तरह का काम चल रहा है, उसी वजह से पूरा ट्रैफिक स्लो मूविंग है। एंड एज आई सी दैट, जैसा मैंने कहा था कि राजस्थान के बाद डायरेक्टली ऋषिकेश में अपने को पहाड़ दिखेंगे, तो सामने आपको पहली झलक पहाड़ की दिखती हुई 3 दिन के बाद, वो भी मतलब जो राजस्थान में दिखे थे अरावली रेंजेस के बाद, बड़े पहाड़ तो दिखे ही नहीं थे माउंट आबू के बाद, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब कुछ इस तरह। इन शॉर्ट, चारधाम। Look at this, Yoganagari railway station, Rishikesh. क्या प्यारा रेलवे स्टेशन बनाया है, amazing. I wish अंदर गाड़ी लेके जाके देख सकता। See, काम चल रहा है अभी तक इसका, बहुत ब्यूटीफुल बन रहा है जो भी है। And in a matter of less than 30 minutes, look at this, जो पहाड़ दूर से पहली झलक दिखाई थी, हम एग्जैक्टली उस पहाड़ के नीचे पहुंच गए। ओके, सो हियर वी हैव रीच्ड हैशटैग हॉस्टल्स, अपना आज का डेस्टिनेशन, अपडेटेड डेस्टिनेशन। अरे सर, आप तो सामने ही बैठे, मुंह दिखा जरा। कितने कितने महीने हो गए जीक्यू के बाद ना, मतलब 10 महीने। हाँ, मतलब जीक्यू राइड अपना दिसंबर का, 10 महीने के बाद। अभी आज बैठ के ना पूरा राइड रीप्लान करना है, और रीप्लानिंग क्यों करना है ये भी सब बताना है। जो बन के आया था प्लान, वो पूरा चेंज होने वाला है अभी। सो शुरुआत आज के साइट सीइंग की, एंड द साइट सीइंग स्टार्ट्स डायरेक्टली विथ माउंटेन्स। अभी अंश सर हमें कहीं लेके जाने वाले हैं। सर बेसिकली पिछले 2 या 3 दिन से ऋषिकेश में ही है, इज बीन एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, तो अभी आज वो कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस हमें दिखाने वाले हैं और हम वही प्लेसेस आपको दिखाने वाले हैं। सीधे रास्ते से जहाँ सब लोग जाते हैं वहाँ जाके तो कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि वो तो सब चीज़ें आपने देखी होंगी ढेर सारे व्लॉग्स में। हम दिखाएंगे तो कुछ और दिखाएंगे, कुछ अलग दिखाएंगे। इसलिए अब हम ऋषिकेश के पास नील झरना नाम की एक प्लेस है, वहां जाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये छोटा सा रास्ता पकड़ लिया है। सो देयर इज अ एंट्री टिकट फॉर दिस नीर वाटरफॉल, कितनी है, 30 रुपए ना, 30 रुपए पर हेड। एंड यू कैन सी वहां पे रास्ता दिख रहा है मुझे, मतलब हाँ बस टिपिकल हिमालयन घाट। इस ट्रिप में पहला सफर, हियर इट इज जस्ट 1 किलोमीटर आफ्टर दैट टिकट काउंटर, पहुंच गए हैं हम नीर वाटरफॉल पे। देखे तो सही, एक्चुअली नीर इटसेल्फ मींस वाटर, साउथ इंडियन वर्ड है ना ये, आई थिंक कर्नाटक। भाई इट्स ब्यूटीफुल, ऊपर चल के जाना है, मजा आएगा। ऋषिकेश का पहला पॉइंट जो दिख रहा था ना, उसे बहुत बड़ा है ये। वहाँ ऊपर तक कुछ दिख रहा है, और उसके भी आगे वहाँ पे एक ब्रिज है, भी जाएंगे वहाँ पे। कभी नव्हे ते राइड मोड मधनं बाहेर आले, आता एकदम मस्त सजून धजून निघाली। सी, जिंदगी का पहला क्रॉप टॉप। This is such a wonderful place, guys.
अभी बाकी टाइम का बता नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, तो दिस इज़ रियली एन्जॉयबल। देखा है मैंने कि देहरादून में कैंपटी फॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन सिर्फ 50 किलोमीटर दूर आके दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी इस प्लेस को थोड़े और अपने खास स्पेशल काउंटिंग किलोमीटर्स के नज़रिए से देखते हैं। डोंट इवन आस्क के यहाँ पे कितने टाइम से है, भूख नहीं थी लेकिन यहाँ से निकलने का मन नहीं कर गया, इसके लिए दो मैगी खा के हो गई। चाय मेरे ख्याल से सर आपकी तीन हो गई ना, मेरा तीन चाय, प्रियंका की दो, मेरी एक, और ये सब भूख की वजह से नहीं है, ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। बट एनीवेज इफ यू कैन सी नाउ सूरज ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, तो अभी सनसेट से पहले अपने को ऋषिकेश में पहुँचना है, बिकॉज लक्ष्मण झूला, राम झूला और ऋषिकेश में भी गंगा आरती होती है, वो भी दिखानी है आपको, क्योंकि कल की गंगा आरती एज यू नो 2 मिनट के लिए मिस हो गई थी, आज की मिस नहीं करनी है। अभी यहाँ से फाइनली निकलते हैं, फाइनली निकलेगा ना। वेल यहाँ से निकल तो गए हम, लेकिन 5 किलोमीटर में फिर से रुकना पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि सामने ये नज़ारा दिख गया। बैक इन ऋषिकेश टाउन नाउ, अभी टाउन में क्या क्या है देखने लायक उसकी सफर करते हैं। टाउन से थोड़ा सा ही बाहर निकल के जो नज़ारे देखने मिले भाई, आज का दिन तो सफल हो गया, अभी टाउन में जाके और मजे करेंगे। ओके सो अभी हम जाने वाले हैं राम झूले पे। वैसे राम झूला इज वन ऑफ द टू मोस्ट आइकॉनिक ब्रिजेस हियर इन ऋषिकेश। दिस इज अ केबल सस्पेंशन ब्रिज और ये इतना लंबा है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे से गंगा नदी बह रही है। वाह, दिस इज क्रेजी। ओके, राम झूले से क्रॉस करके हम सीधा लक्ष्मण झूले पे आ गए। ये व्हीकल्स के लिए बंद है अभी। हाँ, इस पर से चल के जा सकते हैं। वी वर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस लॉन्ग वॉक ऑन लक्ष्मण झूला, क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सही लग रहा था। बट सून वी रियलाइज्ड कि सनसेट हो रहा है। सनसेट हो रहा है मतलब गंगा आरती का टाइम हो गया है। अभी कल तो गंगा आरती मिस हो गई थी, वापस आज मिस नहीं करनी थी, तो फिर हमने एक ही बात की, जितने ज़ोर से हो सका उतना ज़ोर से भागे, क्योंकि गंगा आरती के टाइम पे आज तो पहुंच नहीं था। फाइनली कल नहीं लेकिन आज की गंगा आरती आपको ज़रूर देखने मिलेगी हमारे साथ, हरिद्वार में नहीं लेकिन ऋषिकेश में। हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं गंगा आरती जहाँ पर होती है उस घाट पर। आरती 6:30 बजे होती है, राइट नाउ द टाइम इज 6:10, सो 20 मिनट्स वी हैव। एंड बाई द वे दिस सेटिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हरिद्वार। हर की पौड़ी पर जो था इट वॉज लाइक छोटा सा घाट है, गंगा नदी का प्रवाह जो है उसके बीच में से वो थोड़ा नैरो है, दोनों तरफ बहुत से लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दिस इज सच अ वाइड एक्सपांस ऑफ द रिवर। उस तरफ दूसरे घाट है पूरे बने हुए, इट्स सो फार अवे, कम से कम आधा किलोमीटर दूर है ये। और बाय द वे ये
भगवान शिव जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है बनी हुई एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे 15-20 मिनट वेट करना है। पुत्र सागर के तारे सब जग को जाता, मैया सब जग को जाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता, ओम जय गंगे माता, मंगल कारिणी मैया, तू है सुख दाता, मैया तू है सुख दाता, तेरी गोद में आकर, तेरी ही शरण में आकर, मन शांति पाता, ओम जय गंगे माता, गंगे सौपाद पंकज गंगा गंगे पियो भूरिया दियो जनानां सकेरपे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सदर्शति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। वैसे तो यार ऋषिकेश में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आधे दिन में सब कुछ कवर कर पाना तो इम्पॉसिबल है। ऋषिकेश में बहुत से लोग आके तीन तीन चार चार दिन हफ्ता भर भी रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे योगा के क्लासेस कोर्सेज भी बाकायदा लिए जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न योगा आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ होटल्स हॉस्टल्स होमस्टेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल। हम भी आज रुके हैं हैशटैग हॉस्टल नाम के एक हॉस्टल में ही। एक्चुअली आंसर ऑलरेडी कल परसों से यहाँ पे रुके हुए हैं, तो उन्हीं के साथ वाला रूम हमने ले लिया था आज के लिए। सो इफ़ यू आर कमिंग टू ऋषिकेश, ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला दोनों जो ब्रिजेस है देखने लायक है। गंगा आरती जहाँ पे होती है वो है परमार्थ निकेतन आश्रम, वो भी देखने लायक है। देन देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड नीम बीच, ऑल्सो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मरीन ड्राइव। मुंबई वाला मरीन ड्राइव नहीं, यहाँ पे ऋषिकेश का अपना मरीन ड्राइव है, लेकिन वो मरीन ड्राइव कहलाता है गंगा नदी के किनारे, किसी समंदर के किनारे नहीं। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग टू लिसन, बट यस इट्स ब्यूटीफुल, व्हाटएवर इट इज़ ब्यूटीफुल। आज तो एक्चुअली आरती के बाद वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया था, बट लक्ष्मण झूला से वापस आते वक्त हमने देखा था वो प्लेस बहुत सही है। इट्स लाइक अ रिवर साइड प्रोमनेड देखने लायक है। वहाँ पे बैठ के आराम से सनसेट देखने का मज़ा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आई कुड फील कि उस तरफ सनसेट हो रहा था, हमने थोड़े टाइम के लिए मिस किया। बट यस, अभी इतने बड़े राइड में छोटी छोटी चीज़ें तो मिस होती रहेंगी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज टॉकिंग अबाउट टुडेज एक्सपेंसेस, आज का हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था अराउंड 350 रुपीज़। लंच तो हमने किया ही नहीं एक्चुअली, जो वाटरफॉल पे गए थे वहीं पे मैगी और चाय, वो मेरे ख्याल से कुछ 200 रुपीज़ के आसपास खर्चा हुआ था। एंड देन अभी डिनर का खर्चा हुआ 600 फॉर थ्री पीपल, मतलब 200 रुपये पर हेड। सो ऑल इन ऑल यस 500-550 रुपये पर हेड, और ये 1000 रुपीज़ का रूम है, मतलब अगेन आज का भी 1000 रुपीज़ पर हेड खर्चा हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग एनीथिंग अबव 1000 रुपीज़ पर हेड, जो अपना बजट रहता है किसी भी ट्रिप का, उसके ऊपर तो अभी तक एक भी दिन गया नहीं है। पहले तीन दिन तो हमने उससे सेव किया था, लास्ट टू डेज हरिद्वार एंड ऋषिकेश रोज़ का 1000 रुपीज़ पर हेड खर्चा हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि वो उतना बजट तो लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उतना बजट मैं तो हमेशा रखता हूँ किसी भी प्लान के लिए। वेल टुडे वी डिड ओनली 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश, क्योंकि सब प्लान चेंज करना था, और अभी जो प्लान चेंज हुआ है उसके हिसाब से कल सुबह हम कर्णप्रयाग के लिए, या माना के लिए नहीं, कल सुबह हम डायरेक्टली सोनप्रयाग के लिए निकलने वाले हैं। सो इस राइड में केदारनाथ जो सबसे आखिरी में होने वाला था वो भी सबसे पहले होने वाला है। केदारनाथ ट्रिक इज़ राइट ऑन द कार्ड्स। कल हम यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे विच इज़ 250 किलोमीटर्स वाया टिहरी डैम, और परसों के दिन फ्राइडे की विच इज़ 9th ऑफ अक्टूबर हम केदारनाथ का ट्रैक करेंगे। अभी ये सब तो आपको आने वाले व्लॉग्स में ही देखने मिलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल सुबह उठ के यहाँ से निकलेंगे 250 किलोमीटर्स की एक्चुअल हिमालयन घाट राइड हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की। उसी राइड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते संडे शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।